प्रिय विद्यार्थियों, अद्य वयं मध्य सिद्धांत कौमुद्या प्रमाण प्रकरणस्य एव समासस्य अध्ययनं करिष्यामः। समास पांच प्रकार के होते हैं, उनमें पहला समास केवल समास। केवल समास एक विशेष व्यवस्था को लिए हुए है, विशिष्टता के लिए, समस्त प्रकार से ही एक विशेष स्थिति को लिए हुए होने के कारण से केवल समास कहा गया है। केवल समास को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हम सूत्र अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र केवल समास में समर्थ पद विधि, सूत्र और सूत्र की जो वृत्ति है, सूत्र इस वृत्ति के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। पद संबंधी यो विधि समर्थाश्रितो हो बोध्य। पद संबंधी पद जो एक पद के उद्देश्य को इंगित करती हो उसे पद विधि कहते हैं, और पद विधि जो है वो पूर्ण रूपेण समर्थ को आश्रित होती है, इसलिए समर्थाश्रित हो। तो इस प्रकार की स्थिति का हमने बोध हो वो पद विधि कहते हैं। इसके पश्चात हम पद विधि की जो व्यवस्था है उससे जब विदित होते हैं और पद व्यवस्था को सही मायने में सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब व्यवस्थित करते हैं तो दूसरा जो सूत्र है प्राक दारात समासः, ये कहता है कडारा कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यादि क्रियते। कडारा प्राक कडारा कर्मधारय, कर्मधारय से समास इत्यतः पूर्व समास प्राक, प्राक जो है वो प्रथमान अव्ययीभाव पंचम्यं समास यह इसका प्रभाव होता है, इसलिए इन स्थितियों में समास के एक तरीके से अधिकार संपत्ति व्यवस्था प्रदान करता है सूत्र। इसके पश्चात हम केवल समास के अंदर जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारा सूत्र है सुपा सहवा समस्यते, सुपा समस्यते समास शुभन से शुभंतर, शुभन से तिमंतर, इस प्रकार से जो सहसु शुभ की शुभन से तिमंतर समास की स्थिति हो, समास प्रातिपदिकत्व और जब समास होगा तो निश्चित रूप से प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होगी तस्य सुखो लोका हुआ तो फिर शुभ का लोक होगा। इस प्रकार से जब हम किसी प्रकार से कोई भी रूप सिद्धि करते हैं तो विद्यार्थियों इस सूत्र निमित्त जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए सिद्धि का रूप सिद्धि का निर्धारण करते हैं। परार्थ परार्थ विधान प्रति परार्थ पर अर्थ के अंदर विधान जो इस बताया गया है उसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति वृत्ति कहते हैं तो वृत्ति कह दिया वृत्ति पांच प्रकार की कृत तद्धित समास एक शेष अनाद्यंतः धातु रूपः, प्रकार से वृत्ति जो है वो पांच प्रकार की बताई गई है। कृत तद्धित समास एक शेष और अनाद्यंत धातु रूप, प्रकार से ये व्यवस्था प्रदान करने के पश्चात इन सबको मिला करके कहा गया पंचवृत्तयः, वृत्ति जो है वो पांच प्रकार की होती है। अब वृत्ति के पश्चात अर्थबोधक के रूप में, क्योंकि वृत्ति जब दी है तो वृत्ति का जो अर्थबोधक है वो भी समझना बहुत जरूरी है। वृत्त्यर्थः अवबोधकम् वाक्यं विग्रहः, जब वृत्ति का अर्थ अपन समझेंगे तो वह
विग्रह भी हमें करना पड़ेगा। जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह देखिए विद्यार्थियों दो प्रकार से बताया गया, एक लौकिक विग्रह होता है और एक अलौकिक विग्रह होता है। इसलिए क्षय लौकिक अलौकिक है वह लौकिक और अलौकिक होता है दो प्रकार से। यह था जैसे उदाहरण के लिए दिया है भूतपूर्व, ये केवल समास का उदाहरण है तो इसको लेकर यही बताना चाहा है कि तत्र पूर्वं भूत इति लौकिकः, पूर्वं भूत इस प्रकार की जो हम विग्रह की स्थिति लाते हैं वह विग्रह लौकिक कहलाता है। और पूर्वं अम भूत शु शु व्यक्ति है, पूर्व अम भूत शु इत्य लौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह है। इस प्रकार से अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो ये स्थिति बनेगी और लौकिक विग्रह करेंगे तो ये स्थिति बनेगी। तो इस दो प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे रूपश्रुति के स्थिति को प्रकटित करती है। तो रूपश्रुति हमारी जब होगी विभक्ति कार्य होकर के और भूतपूर्व, क्यों भूतपूर्वे चरणति निर्देशा पूर्व निपातः, इस सूत्र के निर्देश के अनुसार, क्योंकि पूर्व में निपात पूर्व निपात है, इसका संदेश इसका संकेत दिया गया है समझाया गया है कि यहां पर सूत्र के द्वारा पूर्व निपात। इस प्रकार से जब इन सूत्रों के माध्यम से हम रूप सिद्धि की ओर बढ़ेंगे तो ये स्थिति लौकिक में और अलौकिक में करते हुए प्रातिपदिक कार्य करने के पश्चात विभक्ति कार्य होगा और रूप सिद्धि भूतपूर्व इस प्रकार से। इसी के साथ एक और स्थिति केवल समास में बताई गई है जहां पर हम इव का प्रयोग करते हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है वाक्य का। तो वाक्य के माध्यम से जब केवल समास को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी केवल समास ही होगा, क्यों कि इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च। ये वाक्य ये कहना चाह रहा है कि यहां पर इव का जो प्रयोग है वो अगर होता है तो उस स्थिति में भी केवल समास ही जाना जाएगा और जिसका मुख्य उदाहरण है वागर्था विव, वागर्थो इव इति वागर्था विव, इसी के माध्यम से महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर काव्य की रचना करके और परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए शब्द का बहुत ही सुंदरतम तरीके से वर्णन किया गया है। मैं वो श्लोक उदाहरण के लिए समझने की दृष्टि से आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। वागर्ताभिः संप्रक्तौ वागर्ता प्रतिपत्तयः जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तो वहां पर आप देखिए इव का प्रयोग होने के कारण कई बार विद्यार्थी भ्रमित हो जाया करते हैं, तो इस उदाहरण को श्लोक में भी इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो इसीलिए है कि समासिक स्थिति को अगर समझे तो हम जानेंगे कि यहाँ पर एक विशिष्टता को लिए हुए शब्द है। इसलिए शब्द का इव का प्रयोग होने की स्थिति में यहाँ पर केवल समास ही होगा और रूप सिद्धि इसकी बनेगी वागर्था विव उस की तरह। इस प्रकार से हम केवल समास का आज अध्ययन करते हुए इसके बारे में इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी हमने प्राप्त की है और इसी प्रकार से समास का जो क्रम है नियमित रूप से अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते रहेंगे और इससे आगे वाला दूसरे नंबर का जो समास है उसको भी इसी प्रकार से नियमित अध्ययन करते हुए नियमित अध्ययन करेंगे। आज के केवल समास को ध्यान पूर्वक सुनने समझने के लिए आपने इस प्रकार से सूत्र की वृत्ति और सूत्र का उदाहरण सूत्र का विधान नियम पूर्वक अपनाते हुए हम रूप सिद्धि भी करेंगे और
उदाहरण और रूप सिद्धि का जो कार्य है वो विधि पूर्वक नियमानुसार करने से केवल समास में सरलतम विधि का प्रयोग करते हुए इन उदाहरण को आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।